महोबा डामरौन हत्याकांड पीड़ित परिवार पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप। करड़ी सेना और क्षत्रिय समाज ने एसपी को ज्ञापन देकर की निष्पक्ष जांच की मांग। शिवपुरी जिले की भौंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महोबा डामरौन में कांग्रेस एजेंट कृष्णपाल सिंह चौहान की हत्या के मामले में राजीनामा का दबाव बनाने पीड़ित परिवार के चार लोगों पर रात में घर में घुसकर मारपीट का झूठा केस दर्ज कराने का मामला सामने आया है। इसमें आक्रोशित करड़ी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सुनिए क्या कहा पीड़ित के परिजनों और करड़ी सेना जिलाध्यक्ष ने। मैं आपका मेरा शिवाबुंदेला करड़ी सेना जिलाध्यक्ष शिवपुरी। यहाँ एसपी ऑफिस पे आए थे आप, कोई आवेदन देने क्या कुछ मामला है जी? हमारे पिछोर महुआ का मामला है, उसमें हमारे चार व्यक्तियों पर झूठी कायमी करी है अभी, ठीक है? तो ये कायमी अब दोबारा ना हो और हम निष्पक्ष रूप से इस चीज़ की जाँच मांगते। क्या आश्वासन दिया आपको एसपी साहब ने? एसपी साहब ने ये बोला है, एसडीओपी को अभी जांच का बोल दिया है कि एसडीओपी साहब जांच करेंगे और जांच में इन लोगों को मतलब वो माना जाए, इनमें मतलब कायमी जो की जाए गई है उसको हटाया जाए। नाम है आपका? हमारा नाम राजपाल सिंह चौहान है। महुआ से आए हो आप, क्या समस्या लेके आए हो यहाँ एसपी ऑफिस पे? एसपी ऑफिस पर हम आए हैं, हमारे गाँव में हमारे भाई का मर्डर हो गया था चुनाव के किसी रात में, और वहाँ के जो लोग जिनको हमने थाना प्रभारी महोदय को दिया था एक ज्ञापन कि इनके नाम और बढ़ाए जाए, उसमें वो लोग छूट गए हैं। वो लोग अब हम लोगों पे दबाव बना रहे हैं, हमारे बच्चों को उठाने को तैयार रहते हैं कि हमसे राजीनामा करवाओ, नहीं तो और हमारे और लोगों के भी नाम उसमें झूठी 458 लगवा दिए भौती थाने से, जबकि कोई वहाँ हमारा इन लोगों के नाम दिए उसमें से कोई उनके साथ कहीं गए ही नहीं, न किसी से कोई बात हुई, न तू में हुई, झूठी 498 लगा दिए। जी कब का मामला है 498? अभी कल 4 को लगा दी है हम लोगों को, तो जब सूचना मिली जब पुलिस हमारे घरों पर दबस दे के हम लोगों को पकड़ने पहुँच गई, जैसे तैसे हम लोग बच कर एसपी ऑफिस आए हैं और हमारी ये झूठी कार्रवाई को हटवाया जाए, वरना आगे निष्पक्ष जांच करवाई जाए। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने एसडीओपी साहब को बोला है कि पुनः जांच के लिए बोल रहा है।